तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेनिक बारम पर। मैं आपका होस्ट होता हूँ बारम गोरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप बात करेंगे कि यूट्यूब के कुछ अच्छे अपडेट और दोस्तों यूट्यूब से थोड़ी बहुत लैग चली है वो आपसे शेयर करूं। अगर दोस्तों ये आप जान जाओगे तो दोस्तों आप आसानी से अपने चैलेंज को ग्रो कर सकते हो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली। कहीं पर भी स्पीक मत करना, नहीं तो आप कुछ चीज मिस कर जाओगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ बग्स और कुछ अपडेट, तो आप डिसाइड कर लो कि कौन से बातें पहले बताऊं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो दोस्तों चलिए पहले YouTube की अपडेट ही आपसे शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इसीलिए मैं मोबाइल स्क्रीन में चलता हूँ और मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहली अपडेट आ जाती है क्रिएटर लोगों के लिए, मतलब कि अगर आप एक क्रिएटर हो और यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हो तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट की अलग सेक्शन, लाइव की अलग सेक्शन, वीडियो की अलग सेक्शन कर दिया गया है। तो अगर आप कॉन्टेंट डालते हो तो वीडियोज़ पर देखोगे, अगर आप लाइव डालते हो तो लाइव पर, शॉर्ट अगर वीडियो पोस्ट करते हो तो शॉर्ट पर। तो शॉर्ट की ऑप्शन पहले नहीं थी तो ये अभी नहीं आई, तो ये थी फर्स्ट अपडेट। तो नेक्स्ट बताते आप दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ जाती है सर्च बार के लिए। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हो तो दोस्तों वहाँ पर एक फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। ये बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पे सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों सर्च बार में अगर आपने पहले कभी भी सर्च करके कोई वीडियो प्ले कर रखा था तो दोस्तों वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ ये है, अगर आप उस वीडियो पर क्लिक करोगे तो दोस्तों डायरेक्ट वो वीडियो प्ले नहीं होगा, जैसे कि पहले सर्च हो जाती थी ऐसे ही सर्च हो जाएगी। ऐसा कोई अलग फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वीडियो दिखाई जाएगी कौन सा वीडियो प्ले किया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ जाती है फिर से क्रिएटर लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक क्रिएटर हो, वॉच टाइम को आप ज़्यादा मायने रखते हो तो दोस्तों आपसे वॉच टाइम को ज़्यादा मायने आप नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों अभी वीडियो के पहले जब आप वीडियो आप देखते थे, मतलब कि जैसे आप एनालिटिक चेक करते थे और दोस्तों वॉच टाइम दिखाता था पहले, मगर वहाँ पर वॉच टाइम हटा दिया गया। वॉच टाइम अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो के और भी अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉच टाइम की जगह यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेक्शन को यहाँ पर दिया गया, क्योंकि दोस्तों अभी वॉच टाइम को इतना ज़्यादा मायने नहीं रखा जा रहा है। और दोस्तों एवरेज व्यू ड्यूरेक्शन मतलब कि लोग कितने टाइम तक आपके वीडियो पर रह रही है ये सब, और दोस्तों कितने लोग क्लिक कर रही है, मतलब कि क्लिक थ्रू इंप्रेशन रेट, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो मतलब कि यही चीज़ आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, कितने टाइम देख रही है, कितना वॉच कर रही है, ये सब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि क्लिक थ्रू रेट कैसा आ रही है आप ये चेक करो, एवरेज व्यू कैसा आ रही है। एवरेज व्यू ये सब पहले यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर सिंपल से व्यूज़ थी और दोस्तों यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट थी और दोस्तों यहाँ पर वॉच टाइम थी, मगर दोस्तों यहाँ पर अभी वॉच टाइम को हटा दिया गया और यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू डायरेक्शन ये सब ऐड कर दे के रखा है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देखो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वॉच टाइम को ज़्यादा मायने रखते हैं और सभी लोगों को कहता है कि भाई तुम ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, ऐसे करता रहते हैं, मगर दोस्तों अभी ऐसा करने की कोई चीज़ नहीं है। अभी वॉच टाइम को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करके रख रहे हैं। आप भी दोस्तों और भी बहुत ही अपडेट आने वाली है, जहाँ पर क्या होगा कि वॉच टाइम ओवर कमा देने वाली है, मतलब कि घटा देने वाली है, कि 4000 वॉच टाइम अभी ओवर लगने नहीं वाली है, सिंपल से ओवर 3K ये सब कम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी क्रिएटर लोगों के लिए अपडेट। तो और भी बताता हूँ, तो दोस्तों जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो आप दोस्तों वहाँ पर आप एडिटिंग भी कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पर कार्ड भी लगा सकते हो कि इतना टाइम तक आप वीडियो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर कार्ड लगा के भी अपलोड करो कितने आप यहाँ पर कर सकते हो। और दोस्तों कुछ टाइम बाद, मतलब कि कुछ साल जाने के बाद, यहाँ पर टोटली एडिटिंग की जो सेक्शन है वो एडिटिंग ही कर दिया जाएगा यहाँ पर, कि यूट्यूब से ही आप एडिटिंग करके अपलोड कर सकते हो, ये चीज़ कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ मुझे रियली अच्छी लगी। और दोस्तों यहाँ पर से आप कार्ड लगा सकते हो कि कितने वीडियो आप पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो। तो और भी बताता हूँ, मज़ा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लेकर है। तो दोस्तों जब आप नॉर्मली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखोगे तो सिंपल सा ऐसे देखोगे, तो दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखते देखते इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर दोगे
तो दोस्तों वो वीडियोस फुल स्क्रीन होने के साथ साथ साइड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर स्क्रॉल डाउन कर दोगे तो दोस्तों वीडियोस फुल स्क्रीन में दिखा जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा भी अपडेट आ रही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर किसी लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों वहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन में ही वो लिंक ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों अभी ये अपडेट आई है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि YouTube की ये अपडेट आई है। और दोस्तों ये जो अपडेट आप लोगों ने देखा है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है व्यूअर्स के लिए भी, और दोस्तों जो कंटेंट क्रिएट करती है उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि दोस्तों YouTube की जो एल्गोरिदम है वो सभी लोगों को इजी हो रही है और सभी लोग आसानी से यूज कर पाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, आप YouTube की कुछ बग्स बताऊंगा जो अभी चल रही है, आगे जाकर ठीक हो सकती है या ना भी हो सकती है, मगर अभी चल रही है इसीलिए आपसे शेयर करना तो बनती है। चलिए वो चीज भी मोबाइल स्क्रीन में ही दिखा देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखा सकता इसीलिए मोबाइल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों YouTube तो बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट लाती है, मगर दोस्तों ये प्रॉब्लम कभी भी चेंज नहीं कर पाएगी। बहुत सालों से देख रहे हो और अभी भी ऐसा ही चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्यूज से ज़्यादा लाइक, क्योंकि दोस्तों ये YouTube की लग्स है, मतलब कि कुछ बग्स है और इसे अभी भी फिक्स नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 व्यूज से 500 लाइक कंप्लीट हो गई है और 12 डिसलाइक हो गई है, मगर व्यूज अभी भी वहाँ पर सही से काउंट नहीं करके दिखा रही है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बहुत ही अच्छे अच्छे यूट्यूबर को होती है, जैसे कि करेमिनाटी टेक्निकल गुरुजी और जो बहुत सारे मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर उन लोगों के ये होती है। और दोस्तों मैंने चेक किया ही, मेरे को भी ये होती है। इनकी जो प्रॉब्लम ये लाखों में हो रही है, मतलब कि यहाँ पर 100 में हो रही है, मेरे ये 2-3 ऐसे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है मुझे ये पता नहीं चल रहा है। और दोस्तों मुझे ये सच बताओ तो बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि दोस्तों YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी ये प्रॉब्लम चल रही है बहुत दिनों से, अभी भी चल रही है और आगे भी चलने वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी वीडियो पर 1 व्यूज है और 3 लाइक कंप्लीट हो गई है। तो ऐसा किस लिए हो रही है मुझे पता नहीं चल रहा है, और आप भी यहाँ पर देख रहे हो। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होती है कि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट होती है और दोस्तों सभी की जो एल्गोरिथम है वो ठीक से नहीं कर पाती, इसीलिए थोड़ी बहुत बग्स रह जाती है, बाद में जाकर ठीक हो जाती है। तो पहले ये प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब कि इसे मैंने कुछ मिनट पहले अपलोड किया इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रही है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम सिर्फ यूट्यूब के साथ नहीं होता, फेसबुक के साथ भी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक पे इतना ज़्यादा व्यूज और इतना ज़्यादा लाइक कंप्लीट हो गई है और इससे ज़्यादा शेयर भी कंप्लीट हो गई है, मगर दोस्तों इसकी प्रॉब्लम अभी भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और सभी क्रिएटर के साथ, मतलब कि सभी प्लेटफॉर्म पर ये होता है, इंस्टाग्राम पर सभी जगह पर। तो ऐसा क्यों हो रही है मुझे ये पता नहीं चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इनकॉग्निटो पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर आपकी कोई भी जीमेल ओपन नहीं रहती है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर बग्स चल रही थी तब सब्सक्राइब हो रही थी। तो दोस्तों ये कुछ टाइम के लिए बग्स था, हर वक्त ऐसा नहीं होती है। तो यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो कि यू आर इनकॉग्निटो, मतलब कि आप अभी कोई भी जीमेल ओपन नहीं करके हो, मतलब कि जैसे घुसपैठिया होती है ऐसे ही आप यूट्यूब पर कुछ भी देख रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सक्राइब हो रही है, तो हालांकि यहाँ पर लिखा आ रही है कि अभी आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, मगर दोस्तों बहुत सारे मैंने एक बार चेक कर दिया, ये जो सब्सक्राइब बटन आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक हो चुके हैं, मगर दोस्तों आप और ब्लैक ही नहीं होती है, मतलब कि रेड ही दिखाती है जब आप इनकॉग्निटो पर रहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेल नोटिफिकेशन मैंने ऑन नहीं कर रखा है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की मेरा सभी नोटिफिकेशन ऑफ है इसीलिए वो भी ऑफ करके रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये अभी सब्सक्राइब नहीं हो रही है, अगर सब्सक्राइब करने की कोशिश करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न ऑफ इनकॉग्निटो, तो ये अभी दिखा रही है। तो कुछ टाइम के लिए ऐसा होती है, मतलब कि थोड़ी बहुत टाइम के लिए सभी तो एक साथ सभी चेक नहीं हो पाती है यूट्यूब पर, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ऐसा हो जाती है। और दोस्तों ऐसा यूट्यूब पर ही नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ऐसे परेशानियां हो जाती है, और तब अगर कर लेते तो अच्छी बात, नहीं तो बुरी बात। तो दोस्तों यही थी आज की टॉपिक। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि YouTube की ये सब अपडेट और ये सब बग्स चल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा या फिर आपको पसंद आई तो दोस्तों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका भाई ऐसे वीडियो हर रोज लाता रहता है और आपको कुछ ना कुछ समझाता रहता है। तो चलिए तब तक के लिए भाई घर पर रहना, सेफ रहना। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया है, तो दोस्तों आपके लिए गिव अवे आने वाला, अगर दोस्तों कुछ पैसे की कमी की वजह से गिव अवे आ नहीं पा रही है इसीलिए दोस्तों कुछ टाइम बाद वो गिव अवे आ रही है। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बना रहना, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए भाई घर पर रहना, सेफ रहना, और दोस्तों मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए भाई, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।